व्यूअर्स अप्लाई नाउ में खुशामदीद। आज हम आपके साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट कायदे आज़म यूनिवर्सिटी 20 एडमिशन टेस्ट जो कि सिंपल टेस्ट पेपर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जिसने 20 में अप्लाई की है और चाहते हैं कि वो फिजिक्स के टेस्ट में बैठे तो वो लाजिमी इस टेस्ट को पढ़े, इसी वजह से वो ये उसके लिए एक मॉडल है। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना होगा जो कि आपके पाम के ऊपर होगा, इधर आपने NIC नंबर लिखना होगा और इधर आपने फुल नेम लिखना होगा। तो इसके साथ ये 20 फिजिक्स एडमिशन टेस्ट का होगा। इधर कुछ रूल्स हैं कि वो आपने फॉलो करने होंगे। सबसे पहले जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो 120 मिनट्स होगा। इसी तरह आपने अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो 38 होते हैं उसके आपने आंसर देने होंगे। किसी भी क्वेश्चन जो आप टिक करो उसके आपके +1 मार्क्स लगेगा, वही क्वेश्चन जो आप कोई गलत करो तो इसके आपको 0.25 या 1/4 नंबर मिलेंगे। कोई भी दो चॉइसेस को सर्कल करने से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप एक सर्कल को कैंसिल करो और फिर दूसरे को लिखो तो इसकी वजह से आपको मिल सकता है। डोंट अटेम्प्ट टू कॉपी, आपने अपने नेबर को बिल्कुल कॉपी नहीं करना क्योंकि हर बंदे के पास अलग अलग शीट होगी। NTS की तरह एनी अटेम्प्ट टू कॉपी आंसर फ्रॉम अनदर कैंडिडेट विल रिजल्ट इन परमानेंट डिसबैरमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर ऑल पर्पसेस। नो बुक्स आर कैलकुलेटर आर अलाउड, कोई बुक्स लाने कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक शीट होगा जिसके आप ऊपर आपने आंसर देने होगी, जैसे कि ये अगर आप किसी आपने इसे सर्कल लगाने होंगे जैसे कि इधर के बने। तो आइए चलते हैं और टेस्ट का एक जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ व्हाट। तो आपने इसमें ढूंढना होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही। इसी तरह फोर्स है F=10 मेक्स ए 30 एंगल एंड x-axis इज द, आपने इसको फोर्स रिजोल्यूशन के जरिए सॉल्व करना है। इस तरह द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ एंड दिस, मतलब ये कि ये आपको जो सब कुछ दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ APC लेवल का टेस्ट है, कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लेवल का टेस्ट होगा, यानी कि BC या MSc का टेस्ट आपके सामने रख दें। बस आपने सिर्फ इसके लिए FSC के सारे बुक्स जो आपने FSC में पढ़े हों उसकी दोहराई करनी है और उसे आपने इस तरह MCQs निकलवाने हैं जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, दिस इज़ अ गुड चांस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के टेस्ट रिलेटेड। ये इसमें मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आ गई, तो इसमें मतलब है कि इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों मिक्स आता है। ये वाई साइन इनवर्स ये मैथमेटिक्स है, तो इसके साथ साथ आपने फिजिक्स के साथ साथ आपने मैथमेटिक्स की भी थियोरी करनी होगी क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आता है। और ये हो गई आपकी टेस्ट, तो एट द एंड हम आते हैं, तो ये एंड ऑफ हो गई। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह फ्रेश और नए अप्लाई के लिए एडमिशन के लिए पाकिस्तान में तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम, बाय बाय।